2019 की शुरुआत होते ही लोगों ने मंदिरों में अपना माथा टेक कर अपने दिन की शुरुआत की। वर्ष के मौके पर पूरा गोड्डा जिला में हर्षोल्लास का माहौल देखा गया। नए साल के मौके पर सभी पर्यटक स्थल पर भीड़ देखने को मिला। चलिए। नमस्कार, मैं आशुतोष आनंद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज गोड्डा। आज नववर्ष के मौके पर बायोडाइवर्सिटी पार्क में आप देख सकते हैं कि काफी लोग यहां पर घूमने के लिए आए हुए। आइए हम बात करते हैं कि एक तारीख को यहां पर आए हैं नववर्ष मनाने के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या विशेष यहां देखने को मिला। हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मदन महतो। मदन महतो जी हैं, आपका घर कहाँ है? युवा नेता पांडू बथान। युवा नेता भी है और पांडू बथान के। आइए इनसे बात करते हैं कि कैसा लग रहा है यहां सर? यहां बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है कि 20,000 से ज्यादा आदमी संख्या में जुटे हुए हैं पार्क, गोड्डा पार्क। ये रघुवर सरकार का देन है जो कि आज हम लोग देखने को मिल रहा है 2019 में कि 20,000 से आदमी ज्यादा जुटे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि रघुवर सरकार का देन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ फुहारे का मनोरम दृश्य है और काफी बच्चे यहाँ पर, देखिए बच्चे, कुछ बच्चे हैं पानी को छूने का कोशिश कर रहे हैं, महसूस करने का कोशिश कर रहे हैं। आइए यहाँ पर बहुत लोग हुए हैं और भी लोगों से बात करेंगे और आगे चल के देखते हैं कि क्या क्या है इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में। देख सकते हैं हमारे पीछे बायोडाइवर्सिटी पार्क लिखा हुआ है और घास दिख रहा है, हरियाली दिख रही है, उससे बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सुरक्षा के लिए गार्ड भी है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि क्या इनके मन में इस बायोडाइवर्सिटी पार्क को लेकर। सर आपका सुनता हूँ। मिलन कुमार घोष, रहने वाला मैं गोड्डा का हूँ, बाहूपाड़ा। गोड्डा में ये पहली बार ऐसा है जिसमें बढ़िया सा पार्क है। लोगों को यहाँ पर इंटरटेन के लिए कुछ भी नहीं था, जो भी कुछ है वो बहुत ही अच्छा है। हमारे साथ मैम भी है, मैम आपका सुना? क्या लग रहा है यहाँ आज इतनी भीड़ देख रहे हैं और काफी बच्चे भी आए हैं और हमको लगता है गोड्डा में फिलहाल ये वन पीस है। कुछ तो है, कुछ तो मिला गोड्डा को इंटरटेनमेंट में, कुछ तो मिला, बहुत खुश है हम लोग। ऐसे हमको लगता है कि जब ये बायोडाइवर्सिटी पार्क नहीं था तो घूमने के लिए लोग सोचते थे कहाँ जाए और ऐसा कोई जगह नहीं था और जहाँ भी जाते थे तो वहाँ कुछ असामाजिक तत्व से घिरा रहता था। तो ये गोड्डा शहर के लिए इन लोगों का कहना कि एक वरदान है बायोडाइवर्सिटी पार्क। दो प्रतिमा है, देखिए आदिवासी कल्चर को दिखाता ये बायोडाइवर्सिटी पार्क में दो प्रतिमा है। हमारे साथ अभी सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी, बायोडाइवर्सिटी पार्क को देखकर एक वाक्य में क्या कहेंगे आप? एक वाक्य में कहूंगा कि जो निकलता है वाव, बस एक वाक्य में वाव ही है। क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है झारखंड में सिर्फ दो ही जगह है, पहला आपका रांची में है, दूसरा गोड्डा में। रांची का आपका जो बायोडाइवर्सिटी पार्क इनसे थोड़ा छोटा है लेकिन यहाँ जो है काफ़ी बड़ा है, वहाँ से यहाँ काफ़ी बड़ा है और स्पेस ज़्यादा होने की वजह से आदमी लोग आज क्या कहता है एक तारीख को नववर्ष मनाने के लिए ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है गोड्डा शहर में झारखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क, क्या लग रहा है, इसको सोच कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बिहार में भी नहीं है, ठीक है ना, झारखंड में है और हमारे खासकर गोड्डा जिला में नया नया बना है तो हम लोग को और भी रोमांचित कर रहा है। सकते हैं कि कुछ युवा हमारे पीछे हैं, अभी वो पंजा लड़ा रहे थे। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी पार्क में आज एक तारीख साल का पहला दिन और पंजा लड़ा रहे थे। अभी आपने देखा ये बच्चे लोग पंजा लड़ा रहे थे, आइए इनसे पूछते हैं कि कौन हारा और कौन जीता और आज एक तारीख को यहाँ आकर कैसा लग रहा है। बसंत राज, बड़े बड़े बसंत राज,
बसंतरा। चलो एक अच्छी बात है कि बसंतरा के बगल का मेरा भी घर बगल में ही है। कैसा लग रहा गोड्डा जी हो गया? के उत्तर में अभी हम मौजूद हैं और खेल को प्रमोट करने के लिए आप देख सकते हैं कि प्रतिमा बनाई गई है और महिलाओं को इससे प्रेरणा मिलेगी कि महिलाएं भी खेल में आगे बढ़े और इस प्रतिमा को देखकर उनमें भी एक जुनून जगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी लोग मौजूद हैं जो कि इस प्रतिमा के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और यहाँ से पार्क में घूम कर एक यादें संजो के ले जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बच्चे अपने पापा के साथ आके सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं ताकि एक यादें जो आज के दिन का है वो हमेशा बना रहे। मेरा फोटो डालिएगा। अभी हम लोग चलकर पार्क के पूरब के साइड में लोटस पार्क कहा जा सकता है इसको, क्योंकि यहाँ पर कमल फूल के अनेकों क्यारियां मिल जाएंगे। एक तो पहले आपको बीच में देखने को मिल जाएगा कि कमल फूल के बहुत सारे प्रकार यहाँ मिलेंगे और चारों तरफ छोटा छोटा क्यारियां बना है जहाँ की कमल फूल लगाए गए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा है, आइए बात कर। क्या नाम हुआ आपका? आज पार्क में आप लोग यहाँ पर आए हैं, कैसा फील हो रहा है? आज बहुत ही अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आज महीना का शुरुआत हुआ है, तो 2009 नया साल 2019। यहाँ पे बहुत ही काफी संख्या में भीड़ है, काफी मशक्कत के बाद हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया है और लाइन इतनी बड़ी थी कि मुश्किल हो रहा था टिकट भी कटाना, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वो सफलता हासिल करके आज अंदर आया हूँ। और ये मुझे लगता है कि ये जगह जो है इस पार्क का सबसे अच्छा जगह मेरे हिसाब से लग रहा है। आज छुट्टी का दिन है, आज सबको खुलकर एंजॉय करना चाहिए अपना और फिर बाकी अपने कल से अपना काम में अपने पढ़ाई लिखाई अपने सभी बच्चों को अपने पढ़ाई लिखाई में लग जाना चाहिए। अच्छे से पढ़ाई का भी परीक्षा का महीना आने वाला है, सबको अच्छे से पढ़ना लिखना चाहिए। गोटा सबसे पहला बात तो ये बता दें, आज साल का पहला दिन है और हमारे शहर कोटा में बहुत ही अच्छा पार्क खुल गया है और इतनी अच्छी भीड़ देखिए बहुत अच्छी लग रही है। एक्चुअली हुआ क्या, आज भीड़ इतना था, इतना तादाद में भीड़ था, पार्क को जो है टाइम से पहले बंद कर दिया गया जिसके चलते हम लोग घुस नहीं पाए, तो बड़ा बुरा लगा कि घुस नहीं पाए। फिर अच्छा भी लग रहा है कि भीड़ थोड़ा ज़्यादा है, शहर में कुछ तो अच्छा हुआ जो भीड़ इतना देखने को मिल रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि देखने को मिला था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हिमांशु राज है। साल का आज सर पहला दिन है, ऐसे में आप बायोडाइवर्सिटी पार्क आए हैं गोड्डा जिला का, सर कैसा लग रहा है यहाँ? जैसे गोड्डा वासियों का जो जमावड़ा देखते हैं बच्चे सबके गोड्डा वासियों के लिए सर आज नए साल का मौका है और लोगों का यहाँ काफी जमावड़ा देखा जा रहा है, क्या लगता है अब तक यहाँ कितने लोग आए होंगे? यहाँ कम से कम 10,000 लोग अभी आए हैं। 10,000 लोग, आज को लेकर क्या विशेष व्यवस्था की गई है यहाँ? यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्त है और सभी लोग यहाँ पर आकर अपना 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जिसको जितना मौका लगता है अपना। साथ यहाँ पे डीएवी इंचार्ज त्रिपाठी सर हैं, आइए सर से जानते हैं कि आज के दिन का क्या खास महत्व है। आज का दिन उत्सव का दिन है, हमें उत्साहित रहना चाहिए, हमें एक संकल्प लेना चाहिए अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के, कि हम कैसे सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से इस देश का विकास कर सकते हैं। देश में जो दुर्भावनाएं हैं, जो गंदगियां हैं, जात पात धर्म, उससे दूर हमारे बच्चे जाएं, राष्ट्र की बात सोचें, राष्ट्र की भलाई करें। खड़े हैं ऊर्जा नगर पिकनिक स्पॉट पे, जैसा कि आप जान रहे हैं आज साल का पहला दिन है
2018 के बाद 2019 आ चुकी है। आज लोगों में काफ़ी हर्ष उल्लास का माहौल है। यहाँ के स्थानीय निवासी और बाहर से लोग आके इस पिकनिक स्पॉट पे पिकनिक मना रहे हैं। अभी हम चलकर आ गए हैं ऊर्जा नगर के दूसरे पिकनिक स्पॉट पे। आज जैसा कि आप जान रहे हैं आज साल का पहला दिन है और लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है चारों तरफ। यहाँ भी कुछ नौजवान हैं जो पिकनिक मना रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं आज का दिन का क्या खास महत्व है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पल्लव सुमनवा, मैं महागामा से हूँ। आज के दिन का क्या खास महत्व है? बस ऐसे ही हम लोग सब आते हैं, सब बाहर पर रहते हैं, वह पढ़ते हैं बाहर में, बस यहाँ सब मिल के हम लोग पिकनिक मनाते हैं। जनवरी को सब घर पे आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके मिलते हैं, फिर सब यहाँ पे। कोई एक ऐसा विश बताइए जो आपका 18 में पूरा नहीं हुआ और आप 19 में पूरा उसको करना चाहते हैं। क्या बताएं, बस वही जो आप लोग समझ रहे हैं। और क्या, विश तो बहुत है। कोई एक विश बताइए। कोई एक विश, बस वही हम लोग का एंजॉय होता है विश, और कुछ नहीं। आज कुछ स्पेशल एंजॉयमेंट हो रहा है ना बाहर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार की तैयारियाँ चल रही है। ये आप देख रहे हैं चिकन वहाँ फ्राई हो रहा है, किस प्रकार से लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग बाहर में आके जो है यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं और काफ़ी मज़े ले रहे हैं। कैमरा पर्सन जावेद अख्तर के साथ मिलन भगत, एक्सप्रेस न्यूज़, गोड्डा।